गाइज, माय सेल्फ रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो इतना रो रही है रायू, क्यों पीछे घूम रही बोलो तो? उसको लग रहा है उसका पापा जा रहे हैं। हाँ, वो उसका पापा ही जा रहे हैं। एक्चुअली आज मैं ससुराल में देने वाली हूँ इफ्तार पार्टी। हाँ, मतलब इफ्तार करेंगे सब एक साथ, तो साकी वही सब सामान लेने जा रहे हैं, तो हम भी एक ही साथ जाते हैं। पर ये इतना रो रही है, इतना रो रही है, इसको खाना वाना खिला के लेके जाएंगे। ऑलरेडी 4:45 बज गया, तो मैं भी निकलूंगी। माँ भी आई है, माँ को, माँ उतर जाएगी मंदिर तला, उसके बाद हम लोग वहां से चले जाएंगे। तो आजकल उसको बस बाहर ही घूमना है, और इतना गर्मी भी पड़ गई है ना कि हद से बाहर है। टोटो में बैठ के खुशी देखो, कितनी खुश है एकदम। वो जो ये जो कितना कुछ बोल रही है, बहुत खुश, बहुत खुश। और इतना गर्मी पड़ गई है भाई, क्या बोले, बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। देखो एक सेकेंड में मेरा पूरा पसीना पसीना निकल गया। तो मैंने जाके देखा, ऑलरेडी छोटो पिशी और मेरी सासूमा बहुत सारे फ्रूट्स भी कट कर लिए थे और चना भी उनका रेडी हो गया था। तो यहाँ पे पिशी ने मुझे बोला कि सारे फ्रूट्स जो है उसे तुम एक साथ मतलब सजा दो प्लेट के अंदर, और जिसे जो देना है उसे तुम दे दो। तो हमारा जो दर्जी है उनके लिए मैं यहाँ पे इफ्तारी रेडी कर रही थी अलग से, क्योंकि वो लोग हमारा रूम जो है एक साथ इतना जन तो नहीं बैठ पाएंगे, तो वो लोग इसके पास के रूम में ही दर्जी लोग काम करते हैं। तो उन वो 4-5 जन थे, तो उनके लिए वहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। और देखो हमारा इफ्तारी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बहुत सारा चना बना था, तो यहाँ पे वही निकाल रहे थे। और साथ में ना छोला दाल का एक चाट बनता है जिसमें सब कुछ रहता है सैलड टाइप का, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन ये खाते हो मुझे जरूर कमेंट में बताना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और शाकी पहले से ही ना पीसी को आके चौप, प्याजी, धीमे चौप और उसके साथ पंथराज ये सब लाके दिया था, तो ये सब भी मैंने फटाफट से निकाल लिया। क्या हुआ शाकिब, सब लाए? और क्या क्या बाकी था? सब कुछ हो गया और बाकी था बहुत कुछ। हलीम और लस्सी बाकी था, वो भी लेके आया। यहाँ तो लेके गए क्या? नो की हो लो, क्या हुआ बोलो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ड्रेस दिखाओ, की सुंदर लग जे, क्यों गुस्सा क्यों हो? वो तो बोलो क्या हो गया, बोलो, बोल दो एक बार, क्यों गुस्सा हो, बोलो 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 माँ, क्या हो गया? राया के ऊपर गुस्सा हो गई है ना? काहे मुंह बनल बा, बोलो काहे मुंह बनल। तो शाकिब लास्ट में जाके हालिम और लस्सी लेके आया था सबके लिए, तो यहाँ पे पीछी वही हालिम जो है सबके लिए निकाल रहे थे, क्योंकि वो बड़े बड़े कटोरी में लेके आया था, तो वहां से लेना मुश्किल था। देखो कितने सारे हो गए, मतलब लास्ट में ना बहुत सारे प्याजू और चॉप जो है एकदम मतलब फैला ही गया, क्योंकि सब इतना खाने पे। और देखो पीछी कितना सुंदर क्रिसमस ट्री जैसा वाटरमेलन को कट भी किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इफ्तारी है ये रेडी हो गया है। तो हम सब बैठ के यहाँ पे प्रे कर रहे थे, और उसी बीच रायू बदमाशी करना स्टार्ट कर दी थी। वो क्या कर रही थी, मतलब उछल कूद कर रही थी, सबको एक साथ देख के उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो फैमिली के साथ ऐसे बैठ के इफ्तारी करने में सच में बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। और साल में मतलब ये हम लोग उतना तो सबको एक साथ नहीं हो पाते हैं, ईद के टाइम में, रमजान के टाइम में, हर टाइम हम लोग ऐसे सब मिलके बैठते हैं, अच्छा भी लगता है। और पहले की बात याद आ जाती थी, आ जाती है जब हम सब साथ में रहते थे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते करते इफ्तारी भी कर लिए। जा जा सोनू दिखे, जा सोनू दिखे, जाओ जाओ ओ दिखे, ओ दिखे, ओ दिखे, ओ दिखे। देखो उसके पापा हाथ दिखाते हैं मारने के लिए, वो भी दिखाएगी। अब देखा 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 इधर आयु, पापा की बोलते रायु और सोनू दोनों घूमने निकली है ना सोनू? ढोंगी सोनू, रायु देखो माँ, रायु इधर देखो, रायु रायु तू की तू की तू की। रायु को आज भूखू नहीं लग रही है सोनू, पूछो तो, पूछो उसको भूखू लग रही है कि नहीं। तुमको खाना है? रायु पीछे दो लड़का बैठा है उसको ही देख रही है तब से। देखो देखो आज डिनर में बन रही है चिकन कोशा, पर ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी सासूमा बना रही थी। मैं आई थोड़ा सा आप लोगों को इसका कलर दिखाते हैं, देखो कितना रीच बनाती है। और मेरा चिकन तो आप लोग देखे हो, इतना तेल मसाला तो नहीं रहता, पर ये खाने में ज़्यादा यमी होता है क्योंकि ये इतना रीच होता है बोल के। देख के देखो कितना डिलीशियस लग रहा है। इसका क्या आदत हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलो
दिन भर बाहर घूमे भी, देखा अभी घर में लेके आया अभी भी रोना स्टार्ट। मुझे लग रहा है मैं एकदम शावर करके आई हूँ गर्मी में, इतना गर्मी हो रहा है। और रास्ता में ना सब मुझे देख के यही बोल रहे तुम कितनी पतली हो गई हो, एकदम झेटा काटी होएगा। अच्छा मैं क्या इतनी पतली लग रही हूँ, ठीक ही तो लग रही हूँ, मुझे तो लग रहा है और कम करना पड़ेगा, बट अभी ठीक है। पर इतना पतली एक्चुअली ना, मैं पहले कभी इतना ज़्यादा शायद पतली नहीं हुई थी शादी के बाद, इसलिए बोलते थे। आज आप लोगों की रायु आई है बाहर फोटोशूट करने, देखो कैसे रेडी हुई है। जा देखो घिन्ना घिन्ना होगा उसको। ना 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 गिरी नहीं है, गंदा नहीं है माँ, गंदा नहीं है, गंदा नहीं है। रायु हमला चले जाती है, सो ऐसो रायु कम टू मामा, रायु कम टू मामा, कम टू मामा। आप लोगों को कब से बोल रही थी रायु का शॉपिंग दिखाऊंगी दिखाऊंगी, दिखा नहीं पा रही थी, तो आज फाइनली मैंने टाइम निकाल ही लिया है कि नहीं आज तो आप लोगों को दिखा के ही छोड़ेंगे कि क्या क्या लिया है रायु के लिए, नहीं तो बहुत लेट हो रही थी। और रायु वहां से चिल्ला चिल्ली कर रही है कि मेरी माँ मेरा कपड़ा दिखा रही है, देखे माँ की है? देखे मेरी माँ की, वाओ रायु। हेलो मैं कपड़ा दिखा के आती हूँ मामा, ठीक है बेटी, चलो मैं आप लोगों को कपड़ा दिखाती हूँ। रायु कितनी खुश हो रही है वहां से कि मेरी माँ मेरी कपड़ा दिखा रही है। तो पहले स्टार्ट कर देती हूँ जो जो ऊपर है, ठीक है यही से दिखाते हैं। मैंने उसके लिए दो तीन पैंट लिया था जो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाया था, जूडियो से लिया था, ये वाला एक, ये ब्लैक कलर का एक लिया था, और एक ये सेट लिया था दो बेबी हक का था, एक तो वो ऑलरेडी पहन ली तो एक नया है। तो ये तीन पैंट्स है उसके, और गर्मी में पहनने के लिए ऐसा टॉप मैंने लिया था, ये एक साथ मिलता है तीन पीस करके था, तो ये एक डिजाइन, और ये वाला एक डिजाइन देखो फ्लोरल प्रिंट का जो बहुत ही प्रीटी प्रीटी लग रहा है। ये वाला रायु एक बार पहनी है और ये वाला भी रायु एक बार पहनी है फोटो शूट के लिए, तो ये दोनों पुराना ही हो गया तो बस ये नया है। ओके तो रायु का एक नाइट ड्रेस मैंने लिया है क्योंकि रायु के पास नाइट ड्रेस नहीं था, तो ये प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा। देखो टाइगर है, जिब्रा है, लायन है, नहीं टाइगर नहीं है लायन है, तो ये एक हाफ है, ठीक है ये हाफ मैंने लिया, हाफ पैंट है इसके साथ, तो ये वाला रायु के लिए मैंने लिया, उसको गर्मी में काफी आराम मिलेगी रायु को, है ना बाबू। हाँ रायु बोलिए बहुत आराम मिलेगा मुझे। अच्छा थोड़ा सा आगे आगे दिखाती हूँ, ठीक है पता नहीं मेरा सर कट रहा है कि नहीं, पर मैं थोड़ा सा आगे आ गई क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा कैमरा बहुत दूर हो गया। तो ये मैंने एक ये लिया है, देखो हम लोग जैसे पहनते ना स्पेगेटी टाइप का, वैसा ही टाइप का लिया है, एक पीछे का कट किया हुआ है जो मुझे बहुत प्यारा लगा। हेलो आई एम अ वंडरफुल स्टार, तो वो तो स्टार है ही, इसीलिए ये वाला। और इसके साथ मैंने ये स्कर्ट लिया, ये एक्चुअली स्कर्ट नहीं है, ये देखने में स्कर्ट जैसा है पर ये पैंट है, तो इसको पहन के काफी मतलब स्मार्ट लगेगा और काफी अच्छा भी लगेगा, तो ये दोनों पेयर करके पहनेगी। तो ये एक मैंने लिया है, ये तो आप लोगों को पहले दिखाया था, मेरी ननद जूडियो से उसको दी थी, तो ये भी नया ही है। दो टॉप मैंने लिया है, देखो ये एक ग्रीन कलर का टॉप जिसमें डियर है जो बहुत सुंदर लग रहा है, हाथ में रफल हैंड है, ये एक टॉप लिया है, और ये कलर का टॉप जो ये कलर रायु के ऊपर, आई थिंक ये कलर रायु को बहुत ही अच्छा लगेगा रायु के ऊपर, है ना, मेरा दुपट्टा का जो कलर है उसी कलर का, देखो बहुत सुंदर है ये टॉप भी। तो ये दो टॉप लिया है मैंने। ओके ये एक ड्रेस लिया है स्लीवलेस ड्रेस, क्योंकि समर का टाइम है इसलिए मैंने ज्यादा स्लीवलेस लिया ताकि उसको गर्मी ना लगे और उसको आराम फील हो, और सब ना बेबी हक का ही है मोस्ट प्रोबेबली, बेबी हक का कपड़ा इतना छोटा है ना और 100% कॉटन भी होते हैं तो बेबीज के लिए काफी कंफर्टेबल है,
तो ये सारे ना, ये मैंने जो जो मैं दिखा रही हूँ जूडियो का छोड़ के सारे फर्स्ट क्राई से है। आप लोगों को फर्स्ट क्राई पे मिल जाएगी। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर पसंद आती है फोटो कैप्चर कर लेना, वहां पे स्कैन कर लेना तो मिल जाएगी। और ये मैंने लिया है जूडियो से, बहुत अच्छा मुझे लगा था जूडियो का कुर्ता। उसके साथ रायू का जीन्स है, तो जीन्स देके पहनेगी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगी। देखो ये एक लिया है रायू के लिए, और माँ रायू को दिया है ईद का गिफ्ट ये वाला। ये भी बेबी हग का ही है, ये अंदर का है और ये है ऊपर का जमशूट टाइप का, जमशूट टाइप का है। देखो इसमें सारे फ्रूट्स का कलर, फ्रूट्स दिया गया है और काफी अच्छा लगेगा समर वाइब के लिए। तो ये एक सेट रायू का। ये एक टॉप मैंने लिया है, ये भी हॉट पैंट के साथ काफी अच्छा लगेगा। रायू के पास एक व्हाइट कलर का हॉट पैंट है जो चौंपा एक बार दुर्गा पूजा में दी थी, तो उसके साथ पहनाएंगे, नहीं तो जीन्स के साथ पहनाएंगे। ये है ये भी स्लीवलेस है और बिल्कुल कॉटन मटेरियल का है ये। ओके, और मैंने और एक ड्रेस लिया है रायू का स्लीवलेस, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो वो कितनी खुश हो रही है देख के वहां से। इसमें स्ट्रॉबेरी प्रिंट किया गया है और ये रेड कलर का बो। ये ड्रेस कुकी किड्स का है, मतलब आपको फर्स्ट क्राई में मिल जाएगा ये ब्रांड भी। ये ब्रांड भी बेबी हग भी मैं यूज करती हूँ, रायू के लिए बहुत अच्छा है। और ये कुकी किड्स भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्रांड है बेबीज के लिए। और इनका प्रिंट भी काफी अच्छा है, सुंदर सुंदर, क्योंकि रायू को दुर्गा पूजा के टाइम में जो कपड़ा खरीद के दी थी ना कुकी किड्स का, बहुत अच्छा था। ओके, ये देखो ये एक ड्रेस, ये ड्रेस मैंने लिया था और बाद में देखा राहा का एक फोटो वायरल हुआ है, सेम सेम हो गया। देखो ये कपड़ा बहुत ही सुंदर लग रहा है ये ड्रेस, और ये छोटा एकदम मतलब फिट है रायू के ऊपर, तब भी मुझे ये बहुत अच्छा लगा बोल के रख दिया। ये देखो हेड बैंड भी साथ में है और इसके साथ एक पैंट भी आता है, तो ये भी बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और रायू का ये ड्रेस साकिब को बहुत अच्छा लगा, ये कुकी किड्स का है, ऊपर का ये टॉप और नीचे है इसके साथ टाइगर प्रिंट का पैंट, स्मार्ट पैंट, देखो बिल बॉस टाइप का। ये एक सेट मैंने लिया है रायू का जो काफी स्मार्ट लग रहा है, गुड वाइब्स लिखा हुआ है। और फाइनली रायू का ईद ड्रेस, सो रायू का ये देखो ईद ड्रेस है, बाप रे बाप। ये ऊपर का टॉप, ये रहा प्लाजो पैंट, ये देखो प्लाजो पैंट, और साथ में है पिंक कलर का दुपट्टा। सोचो रायू पहनेगी तो कैसी लगेगी, मतलब मैं तो सोच के ही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि उसके ऊपर ये कैसा लगेगा। इसके साथ चूड़ी बूड़ी बैंगल वैंगल्स लेनी है। और रायू का तो येलो कलर का जो सलवार आप लोगों को तो दिखा था, मतलब मेरा और उसका सेम होगा, तो वो अभी तक बना नहीं, वो बनाने दिया है, तो वो भी आ जाएगा, तो और एक ड्रेस हो जाएगी। अभी तक तो ये हुआ है, अगर और कुछ लेते हैं तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। और एक चीज दिखाएंगे आप लोगों को, रायू का हेयर एक्सेसरीज भी बहुत पसंद है, तो एक्चुअली हेयर एक्सेसरीज में मैंने ये सब लिया था। देखो ये रबर बैंड, इसमें बहुत सारे कलर्स का मिलता है, लैवेंडर कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर, बहुत सारे कलर्स का है। तो ये एक मैंने लिया था, ये भी फर्स्ट क्राई से ही लिया है। इसमें प्राइस लिखा है 300, पर ये कुछ डिस्काउंट में था, ठीक है। और रायू का एक सनग्लास भी लिया है उसका, क्योंकि इसका तेज की चार, इसका वो ब्लैक कलर का टॉप और पैंट के साथ, देखो कितना ब्यूटीफुल, मतलब ये जो पैंट लिया है ना इसके साथ मैचिंग करके था। हम लोग एक लुक सोचे ये पहनेंगे उसके साथ ये ग्लास, कितना सुंदर लगेगी। ओके, मैं उसका शू दिखाना भूल गई, देखो उसका शूज तो दिखाना भूल गया, आप लोगों को दिखाए थे ना ये वाइट वाला, ये तो पहले ही लिए थे ये व्हाइट वाला, जो वो दो तीन बार पहनी है रायू, पर बाहर उतना नहीं गई है, मतलब घर में ही जब उसका वीडियो बनाते हैं तभी पहनती है। और एक लिया है उसका नया ईद के लिए, देखो ये वाला, ये कितना सुंदर प्रीटी लग रहा है। ये भी बेबी हग का ही है, क्यूट वॉक पर बेबी हग, पर इनका शूज का प्राइस थोड़ा सा हाई है, पर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि मैंने बाहर भी शॉप में देखा था तो मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आया था, पर इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। डेफिनेटली आप अपने बेबीज के लिए भी इनका ट्राई करके देख सकते हो, तो ये जब रायू पहनेगी तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये था रायू का ईद का शॉपिंग। आप लोग बताना कमेंट करके कौन सा ड्रेस ज्यादा अच्छा लगा आप लोगों को, और आप लोगों का ईद का शॉपिंग बेबीज के लिए बोले थे ना, देख देख के अगर रायू का कुछ पसंद आता है तो शॉप कर सकते हो, तो आप लोग डेफिनेटली
फर्स्ट ट्राई में देख सकते हो। और क्या, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप, और मेरा ड्रेस अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक आया नहीं। जब आएगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। तो बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइस, लव यू ऑल।